नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। भगवानपुर नाव के पेज पे आप जुड़े हुए हैं। अभी हम हांसी मलाही में हैं और यहां पर निकुंज चौहान ने सीबीएसई बोर्ड में 97% नंबर लाकर अपने परिवार, अपने गांव, अपने जिले वैशाली का सम्मान बढ़ाया है। आइए यहां पे जो परिवार है उनसे हम आपको मिलवाते हैं, साथ ही बच्चे से भी बातचीत करते हैं कि सीबीएसई जब आर्मी पब्लिक स्कूल से उन्होंने 97 मार्क्स लाया है तो गार्जियन जो पेरेंट्स है वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं, साथ ही साथ जो वैशाली जिले का भी उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। कितना प्रसन्न है आप लोग इस रिजल्ट से? बहुत ही प्रसन्न है। ऐसा ये लग रहा है जैसे हमारे बच्चे अगर कर रहे हैं तो दूसरे के लिए मोटिवेशन है। दूसरे बच्चे को भी 99% लाना चाहिए और वैशाली जिला और मियाँ बरे पंचायत का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे बीच गांव के ही समाज सेवी के रूप में कुंदन सिंह हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा लगता है जब गांव का कोई बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाता है, आगे उम्मीदें बढ़ जाती हैं सभी की? नहीं, ये सबके लिए गौरव का विषय है क्योंकि आप जितने भी सामाजिक जीवन जो जी रहे हैं, हम तो पिछले बार भी 10th में जो बिहार बोर्ड से पास आउट हुए थे उनको भी मैंने सम्मानित किया था और ये तो हमारे गुरुदेव हैं, इनसे हम पढ़े हुए हैं और अभी तो सर देश की सेवा कर रहे हैं आर्मी में। जब इनका लड़का इतने अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ, जब हमें जानकारी मिली तो हमने सभी जो मीडिया बंधु हैं उसको सूचित किया है और ये समाज, पंचायत और अपने जिले के लिए बहुत गौरव का विषय है। इनके जीवन का पहला पड़ाव है जिसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। हम चाहेंगे, भगवान से कामना करेंगे कि आगे भविष्य में और आगे बढ़ें और खूब पढ़ाई करें, तरक्की करें। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि थोड़ा सा खड़ा होइए। 97% मार्क्स अभी आपने लाया है, आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या करने का इच्छा है? आगे मेरा 2025 में मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जो है जेई मेंस वो देना है और अभी 2 साल है तो उसकी मैं तैयारी अभी से शुरू कर दिया है मैंने और आगे भी मैंने पीसीएम और मैथमेटिक्स के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया है। क्या प्लानिंग की है? पटना से पढ़ाई करेंगे, कोटा जाएंगे? जी नहीं, पटना से ही पढ़ाई करेंगे। वहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन है आकाश, उसको ज्वाइन किया है आगे की पढ़ाई के लिए। आगे इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में इंजीनियरिंग के में, जैसे मैकेनिकल है, सीएस है? जी मैं चाहता हूँ कि या तो मैं एरोनॉटिक्स के फील्ड में जाऊँ या फिर कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स अभी बहुत डिमांडिंग है इस दुनिया में अभी अगर हाल ही की बात करें तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जेई एडवांस तक पहुँचूँ, IIT निकालूँ और फिर वहाँ से पढ़ाई। 97% मार्क्स लाया, प्रेशर काफ़ी था, पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला? देखिए प्रेशर की बात नहीं थी, जानते थे करना है तो करना है, पेरेंट्स तो हमेशा साथ में थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, और हमेशा जब भी मैं रात भर पढ़ाई करता था तो मम्मी मेरे साथ जगी रहती थी और पापा मेरे सारे चीज़ें जो मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो सब मेरे लिए ला कर देते थे, तो उन सब में कुछ कमी नहीं हुई और मैं अपना काम करता। अपने उम्र के जो भी छात्र हैं जो काफ़ी कभी कभी रिजल्ट खराब आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी इच्छा ही होती है कि हम इंजीनियरिंग डॉक्टर बने, मतलब तैयारी उसी तरीके से करें, उनको क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए जो डिप्रेशन में और ऐसी बातें करते हैं उनके लिए मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब हमारे ऊपर है कि हम जैसा तैयारी करते हैं वैसा अगर तैयारी हमारी है तो हमें कोई मौका नहीं मिलेगा ऐसे डिप्रेशन जैसी चीज़ों में जाने के लिए, और ये सब हमारी ही गलती होती है अगर हमारे मार्क्स ख़राब आए और ये हमारी ही वजह से होता है कि हम अच्छा कर पाते हैं। इसलिए मैं बाकियों से भी यही कहूँगा कि जब कोई एक कर सकता है तो दुनिया में सब कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो एनर्जी है वो पूरा हाई लेवल पे है और आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एरोनॉटिक्स में जाना चाहते हैं, तो हर किसी का ड्रीम होता है इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना, और लगभग इसको लेकर ये तैयारी करना चाहते हैं। पटना कोटा का हमने पूछा कि कहाँ भी जाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने ही बिहार में पटना को चुना है। आगे जो इच्छाएँ हैं वो इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में जाने की है और इससे काफ़ी सीखने की आवश्यकता है जो इस उम्र के बच्चे हैं कि किस तरह से तैयारियां की जाती है, किस तरह से प्लेटफॉर्म लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। यहाँ पर इनके दादा दादी भी हैं, अभी दादाजी से बातचीत करेंगे कि आपका पोता जो है वो आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कितनी मतलब मदद हो पाएगी परिवार की तरफ से? जितना मदद होना होगा उतना मदद करेंगे। हम जल संसाधन विभाग से रिटायर हैं, अब पोता जो ये पास किया है बहुत खुश है, इंजीनियरिंग भी पास कर जाएगा। वैशाली जिले का नाम रोशन किया, आप लोग भी काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। 97 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा दादाजी भी भावुक दिख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा अभी बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, अभी ये समझिए तो बिगनिंग है, इसके बाद इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा रास्ता होता है, 4 साल की पूरी तैयारी होती है। दादी भी हैं, दादी जी से भी बात करते हैं। पोता बड़ा अच्छा मार्क्स लाया है, दादी की क्या इच्छा रहेगी?
हमको भी यही इच्छा है जो पोता आगे मुझे जितने बढ़ेगा उतने उमंग मेरे दिल में आएगा और अच्छा खासा बन जाएगा तो और मेरा रोशन होगा, सारे गांव का सारे जिले के सब आदमी को माने उमंग होगा। इंजीनियर बनना चाहता है पोता? हाँ, मेरा इंजीनियर बनेगा।